बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर, कैसे हैं आप सब। लास्ट लेक्चर में हमने वज़ू के चैप्टर की रीडिंग की थी और जिसमें हमने नवाक़िज़ वज़ू के बारे में पढ़ा था और साथ हमने पढ़ा था मकरूहात वज़ू के बारे में। आज हम रीडिंग करेंगे और हम इसमें पढ़ेंगे वज़ू के फ़वाद, यानी कि वज़ू करने के क्या क्या फ़वाद हैं। वज़ू करने से दो तरह के फ़ायदे हासिल होते हैं, जिस्मानी फ़ायदे और रूहानी फ़ायदे। जिस्मानी फ़ायदे वो होते हैं जिससे हमारा जिस्म सेहतमंद और अच्छा हो जाता है। रूहानी फ़ायदे वो होते हैं जिनसे सवाब और नेकी मिलती है और अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल होती है। वज़ू के जिस्मानी फ़ायदे, वज़ू करने से वो तमाम अज़ा साफ़ हो जाते हैं जो वज़ू में धोए जाते हैं। वज़ू करने से इंसान साफ़ रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। वज़ू करने से सुस्ती और काहली दूर हो जाती है। वज़ू के दौरान इंसान तीन बार कुली करता है और मसवाक करता है, जिससे मुंह से बदबू दूर हो जाती है और दांत साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 61 पे, वज़ू के रूहानी फ़ायदे। पहले हमने जिस्मानी फ़ायदे पढ़े हैं, अब हम इसके पढ़ेंगे रूहानी फ़ायदे। वज़ू करने से अल्लाह ताला खुश होता है। वज़ू करने से इंसान के हाथों, आँखों और पाँव के गुनाह धुलते हैं। बावज़ू रहने से आदमी बुराइयों से बचा रहता है। वज़ू में धोए जाने वाले अज़ा क़यामत के दिन खूब रोशन और चमकदार दिखाई देंगे। ये हैं वज़ू के चैप्टर की रीडिंग जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट की है। कल इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।